दोस्तों जिन जिन लोगों ने यहाँ पर YouTube पर एक कॉपी पेस्ट वाला चैनल शुरू किया था आज से 1 महीने पहले, 2 महीने पहले, 6 महीने पहले, उनका चैनल आज यहाँ पर अच्छा खासा ग्रो हो चुका है और वो यहाँ पर उस चैनल से 1-1 लाख रुपए यहाँ पर महीने तक का भी यहाँ पर कमा रहे हैं। मेरे एक दोस्त थे जिन्होंने मुझे बताया कि मैंने एक कॉपी पेस्ट वाला चैनल शुरू किया था, गूगल से कॉपी करता था, यूट्यूब पर अपलोड करता था और मैंने 1 साल पहले वो चैनल यहाँ पर शुरू किया था और आज मेरे यहाँ पर तकरीबन 80,000 यहाँ पर सब्सक्राइबर हो चुके हैं और हर वीडियो में मेरे यहाँ पर लाख लाख व्यू जाते हैं और उस चैनल से मैं यहाँ पर 30 से 40 हजार, फिर 50 हजार रुपए महीने का आराम से कमा भी लेता हूँ। दोस्तों अगर आपका भी चाह है यहाँ पर YouTube से पैसे कमाने का लेकिन आपके पास टाइम नहीं है, आपके पास एक स्मार्टफोन है, तो आप भी यहाँ पर कॉपी पेस्ट करके यहाँ पर YouTube से अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। और जो तरीका मैं आज आपको बताने वाला हूँ, जो वीडियो मैं आज आपको बताने वाला हूँ, अगर आप मेरे तरीकों से यहाँ पर कॉपी पेस्ट करोगे YouTube पर तो आप YouTube से अच्छा खासा पैसा कमा पाओगे। जैसा कि आप यहाँ पर साइड में देख सकते हो, यहाँ पर आपको अर्निंग दिख रही है, कई चैनल है, मैं आपको लाइव प्रूफ कई चैनल दिखाने वाला हूँ जो क्या करते हैं, सिर्फ गूगल से यहाँ पर उठाते हैं, गूगल से कॉपी करते हैं और यूट्यूब पर अपलोड कर देते हैं। गूगल से कॉपी किया, यूट्यूब पर अपलोड किया, क्या है, कहीं से और उठाया, कहीं से और अपलोड किया और पैसा कमा रहे हैं यूट्यूब से, वो भी यहाँ पर 30-30, 40-40 हजार रुपए महीने। अगर आप यहाँ पर कॉपी पेस्ट चैनल शुरू करना चाहते हो तो आपको ज्यादा मेहनत करने भी नहीं पड़ेगी, सिर्फ आप गूगल से कॉपी करो और यूट्यूब पर अपलोड करो, अच्छा खासा आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा और पैसा का पैसा बनता रहेगा। दोस्तों अगर आप भी यहाँ पर कॉपी पेस्ट यूट्यूब चैनल शुरू करना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैंने स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बताई है, कैसे आपको वीडियो यहाँ पर अपलोड करनी है, कैसे आपको फोटो अपलोड करनी है, कैसे एडिटिंग करनी है, कैसे यहाँ पर सब कुछ करना है और कैसे कॉपी पेस्ट चैनल बनाना है, उसको कैसे ग्रो करना है, A to Z पूरा प्रोसेस बताया है इस वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और जो एडिटिंग वाला पार्ट है सबसे मेन है, अगर आप एडिटिंग सीख जाते हो कॉपी पेस्ट वाली वीडियो का तो आप YouTube पर अपलोड करके उसे अच्छा खासा इंगेजिंग बना सकते हो और उससे पैसे भी कमा सकते हो। वैसे तो आपने YouTube पर बहुत सारी वीडियो देखी होगी कि YouTube पर कॉपी पेस्ट करो, कहीं से और उठाओ, कहीं से और डालो, पैसे कमाओ, लेकिन जैसा मैंने बताया है वैसा किसी ने नहीं बताया है। अगर आप मेरे तरीके से यहाँ पर YouTube पर कॉपी पेस्ट करोगे तो आपका चैनल अच्छा खासा ग्रो भी हो जाएगा और मैं ये चीज आपको लाइव प्रूफ भी दिखाने वाला हूँ। आपने अर्निंग तो देख ली और मैं आपको यहाँ पर कई ऐसे चैनल दिखाने वाला हूँ जहाँ पर कॉपी पेस्ट करते हैं और अच्छा खासा पैसा कमाते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर YouTube चैनल अपना ओपन कर लिया है, ओपन करने के बाद मैं यहाँ पर जाता हूँ, यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर मैंने यहाँ पर सर्च किया है SEO हिंदी कहानी, एक चैनल है, ठीक है, इसको मैं यहाँ पर सर्च किया, इसको मैंने ओपन किया। ओपन करने के बाद आप इनकी वीडियो को देख सकते हो, इनकी पॉपुलर वीडियो, इन्होंने 7 महीने पहले वीडियो अपलोड की थी कॉपी पेस्ट वाली, सिर्फ गूगल से कॉपी किया और यहाँ पर यूट्यूब पर अपलोड किया, अपना फेस भी नहीं दिखाया और ना ही ज्यादा मेहनत करने की जरूरत भी पड़ी। और व्यूज कितने आए आप यहाँ पर देख सकते हो, 81 लाख व्यूज इनकी जो सबसे पॉपुलर है, 81 लाख व्यूज है, फिर 29 हजार व्यूज है, 22 हजार व्यूज है और ऐसे कई सारे चैनल मैं आपको दिखा सकता हूँ जहाँ पर कॉपी पेस्ट करते हैं और अच्छा खासा व्यूज लाते हैं यूट्यूब पर और अपने चैनल को ग्रो भी कर चुके हैं। और ऐसे मैं आपको एक और चैनल दिखा देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर तो हिंदी कहानियां एक है, यहाँ पर इनकी वीडियो को आप देख सकते हो, इन्होंने 1 महीने पहले यहाँ पर अपलोड किया था कार्टून के माध्यम से। और यहाँ पर आपको और दिखा देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर सदाबहार हिंदी कहानियां एक चैनल है, यहाँ पर आप देख सकते हो इनके 84 हजार फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं और इनकी पॉपुलर वीडियो आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर पॉपुलर वीडियो 27 लाख व्यूज है और यहाँ पर 17 लाख व्यूज, 7 लाख व्यूज, 5 लाख व्यूज, 5 लाख व्यूज और 20-20 मिनट की वीडियो जाती है और इनके हर वीडियो में मिलियंस मिलियंस में व्यूज जाते हैं। तो अगर आप भी एक कॉपी पेज यूट्यूब चैनल बनाना चाहते हो तो वीडियो को एंड तक देखो, जरा भी पार्ट मिस मत करना, मैंने A to Z पूरा प्रोसेस बताया है कि आप एक कॉपी पेज यूट्यूब चैनल कैसे बना सकते हो। और मैं आपको दिखाऊं ये लोग क्या करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले मैं इनकी एक वीडियो को यहाँ पर प्ले करता हूँ, ये एक वीडियो है, ठीक है, यहाँ पर मैंने इसको प्ले कर दिया है, जैसा कि आप यहाँ पर साइड कर सकते हो, अभी थोड़ा यहाँ पर ऐड आ रहा है तो ऐड को थोड़ा यहाँ पर स्किप कर देते हैं और यहाँ पर मैंने यहाँ पर इसको स्किप कर दिया और आप देख सकते हो। सबसे पहले सुनो, क्या शहर में पढ़ने आया तो मैंने उसे अपने घर पर रख लिया क्योंकि मैं अकेली होती थी, पति मुल्क से बाहर होते थे, पति से बात की तो वो मान गए, मेरी बहन का काम। ये लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक कहानी उठाते हैं, जी दोस्तों यहाँ पर क्या करते हैं, ये लोग एक कहानी उठाते हैं, उसको टेक्स्ट में यहाँ पर लिखते हैं, एडिटिंग करते हैं और उस पर सिर्फ वॉइस ओवर करते हैं और उन पर इनके वीडियो पर अच्छे खासे व्यूज आ रहे हैं। अगर आपके पास भी 1 से 2 घंटा है तो आप भी स्टार्ट करो ना दोस्त, आप भी स्टार्ट करो एक कॉपी पेस्ट चैनल और आप भी 20 से 30 हजार रुपए महीने, अगर साधारण चैनल हुआ तो 20 से 30 हजार रुपए महीने भी आप आसानी से कमा सकते हो। तो सबसे पहले चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आप ये वीडियो कैसे बना सकते हो, लेकिन उससे पहले हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रदीप और बिंदास प्रदीप के इस नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर चैनल पहली बार आया हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर देना।
तो दोस्तों ऐसी वीडियो बनाने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर तीन एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी। तो एप्लीकेशन का नाम मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ जाना पड़ेगा यहाँ पर इमेज डाउनलोडर। इमेज डाउनलोडर आप सर्च करोगे प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा। इसका काम क्या है, आपको गूगल से कोई भी फोटो डाउनलोड करनी है, कोई भी फोटो आप यहाँ पर सर्च करो, कोई भी फोटो यहाँ पर चेयर, गरीब इंसान, ताजमहल, कुछ भी यहाँ पर सर्च करो और सीधा यहाँ पर डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक करो और सीधा आपके गैलरी में फोटो चला जाएगा। अब दूसरा जो दोस्तों ऐप है उसका नाम है नोट पैड फ्री। इसका काम क्या है, यहाँ पर आपने टेक्स्ट देखा, जो टेक्स्ट ऊपर जा रहा था तो आपको टेक्स्ट यहाँ पर कॉपी करना है और इसमें लिखना है। यहाँ से कॉपी करना बहुत ही आसान हो जाता है। ये तो मैं बताऊंगा वीडियो के बीच में ही कि आपको क्या काम आने वाला है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट ऐप है उसका नाम है यहाँ पर काइन मास्टर। काइन मास्टर एक फ्री एप्लीकेशन है, आप जाकर प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। ये एडिटिंग में काफी हेल्प करेगा और इससे अच्छी खासी एडिटिंग हो जाती है। अब चलिए दोस्तों यहाँ पर हम लेते हैं कहानी। आपको कहानी उठानी है गूगल से। गूगल से कैसे उठाएंगे, यहाँ पर गूगल पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको सर्च करनी है गरीब की कहानी। गरीब की कहानी मैंने यहाँ पर सर्च कर ली। यहाँ पर आपको थोड़ा और नीचे जाना है, यहाँ पर आपको पहले वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना है। आप कोई सी भी कहानी ले सकते हो। यहाँ पर थोड़ा स्वाइप अप करेंगे, यहाँ पर आपको कहानी मिल जाएगी। एक बड़ा ही धनवान आदमी एक गांव में रहता था। अब आपको क्या करना है, मैंने तीन एप्लीकेशन बताया था, उनमें से नोटपैड फ्री आपके अब काम आने वाला है। तो आपको क्या करना है, इस कहानी को यहाँ पर ऐसे टैप करना है और इसको पूरा यहाँ पर कॉपी कर लेना है। ठीक है, इसको कॉपी करेंगे और फिर हम जाएंगे यहाँ पर नोटपैड फ्री में। ठीक है, नोटपैड फ्री जो हमने यहाँ पर ऐप डाउनलोड किया था, फिर यहाँ पर हम प्लस के निशान पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको इंटर टाइटल में लिख देना है किसान की कहानी की कहानी, और आपको इंटर टेक्स्ट में क्या करना है, जो आपने कॉपी किया था पूरा कहानी यहाँ पर टाइप करना है और यहाँ पर पेस्ट कर देना है। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज और करनी है, जैसे कि मान लो आपको पैराग्राफ में पढ़ना है तो आप यहाँ क्या कर सकते हो, बड़ा ही धनवान आदमी रहता था एक गांव में। यहाँ पर आपको ऐसे करना है, ऐसे सारे टेक्स्ट को यहाँ पर बराबर कर लेना है। अब ये कब काम आएगा ये तो मैं आप अभी जानोगे जब मैं यहाँ पर एडिटिंग करने वाला हूँ। तो आपको ऐसे सारे टेक्स्ट यहाँ पर ऐसे करना है और इनको सबको यहाँ पर बराबर कर देना है। इससे क्या होगा, जब आप यहाँ पर पढ़ोगे तो आपको पढ़ने में भी आसानी होगी। इसको सेव के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, क्लिक कर दिया, फिर बैक जाएंगे। अब हम जाएंगे यहाँ पर इमेज डाउनलोडर ऐप में। अब आपको यहाँ पर सर्च करना है एक गरीब किसान, तो यहाँ पर हम लिख देंगे गरीब किसान और सर्च कर देंगे। गरीब किसान यहाँ पर आ चुका है। अब आपको एक फोटो लेनी है, जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए ये वाली फोटो है, इस पर मैंने टैप किया। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा डाउनलोड का, तो डाउनलोड पर आप कैसे क्लिक करोगे, यहाँ पर ये सीधा आपकी गैलरी में डाउनलोड हो चुका है। अब हम आएंगे यहाँ पर बैक, तो बैक आएंगे हम यहाँ पर काइन मास्टर में जाएंगे। काइन मास्टर में अब आपको एडिटिंग कैसे करनी है ध्यान से देखना दोस्तों, क्योंकि एडिटिंग ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। अगर आपको कॉपी पेस्ट चैनल बनाना है तो वीडियो की एडिटिंग सबसे इम्पोर्टेंट है। अब आपको बैक आ जाना है। अगर आपने यहाँ पर पहले से ही कोई भी बैकग्राउंड लिया हुआ है तो ठीक है, नहीं तो आप यहाँ पर मीडिया पर क्लिक करके इमेज एडिट पर जाके यहाँ पर सफ़ेद बैकग्राउंड आपको ले लेना है। लेने के बाद आपको इस बैकग्राउंड को बहुत लंबा कर देना है। जितनी मिनट की आप वीडियो चाहते हो उतना लंबा इस यहाँ पर बैकग्राउंड को कर सकते हो। तो मैं भी छोटी वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मुझे आपको दिखाना है एग्जाम्पल के तौर पर। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर जो आपने फोटो डाउनलोड की थी गरीब किसान की, लेयर पर जाकर, मीडिया पर जाकर और पिक्चर में जाकर मैंने डाउनलोड किया था गरीब किसान, इस पर आपको टैप कर देना है और उसको थोड़ा सा क्रोप कर लेना है। क्रोप वैसे बराबर आप कर लेंगे। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर इसको बड़ा कर देना है। बड़ा करने के बाद आप इसको यहाँ पर ऐसे सेट कर सकते हो। ये हो गया गरीब किसान। अब इसके बगल में कहानी चलेगी। अब आपको क्या करना है, कैपेसिटी में जाकर इसको कम कर देना है। तो मैंने इसको ज़्यादा कम कर दिया है, अब यहाँ पर आ चुका है। अब इस फोटो को भी इस जो बैकग्राउंड है उसके लेंथ के साथ इसको बराबर कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको लाना पड़ेगा टेक्स्ट। टेक्स्ट लाने के लिए आप लेयर में जाओगे, टेक्स्ट पे जाओगे और आपने जहाँ से नोटपैड फ्री में वो कहानी कॉपी की थी, पेस्ट किया था, वहाँ से आपको ले लेना है। तो बैक आएंगे, नोटपैड फ्री में जाएंगे एंड यहाँ से हमें कहानी लेनी है। तो मैंने एक कहानी ले रखी है, यहाँ पर देख सकते हो, आपको ऐसे पैराग्राफ में सेट कर देना है। ठीक है, यहाँ पर मैं टैप करूँगा और यहाँ पर मैं इस कहानी को यहाँ पर कॉपी कर लूँगा। कॉपी करने के बाद फिर मैं जाऊँगा काइन मास्टर में एंड यहाँ पर इसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया, यहाँ पर कहानी आ चुकी है। ठीक है, ये भी सफ़ेद है, इसको यहाँ पर ब्लैक कर देते हैं। ब्लैक कर दिया, फ़ॉन्ट में जाकर आप इसको फ़ॉन्ट को चेंज कर सकते हो। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको नीचे जाना है, आपको एक ऑप्शन और मिलेगा यहाँ पर, आपको टेक्स्ट ऑप्शन, इस पर आपको टैप करना है और ये साइड वाला आपको सिलेक्ट कर लेना है ताकि जो कहानी है ये सही से लाइन से बैठ जाए। ठीक है, यहाँ पर बैक आ जाना है। अब आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर ये आ चुका है, यहाँ पर ये कहानी हमारी तैयार हो चुकी है। ठीक है, अब यहाँ से मेन इंपॉर्टेंट काम शुरू होती है। सबसे पहले इस टेक्स्ट को भी इस फोटो के साथ हम यहाँ पर बराबर कर लेंगे। ठीक है, बराबर कर लिया हमने।
अब आपको दोस्तों क्या करना है, ध्यान से देखना दोस्तों, यहाँ पर मिस मत करना। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर इसको नीचे लेके जाना है ऐसे, और यहाँ पर आपको एक की वाला ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर की वाला ऑप्शन, इस पर टैप कर देना है। टैप आपने कर दिया है, अब आगे देखिए क्या होता है। फिर आपको यहाँ पर एंड में जाना है, और फिर से आपको यहाँ पर की वाले ऑप्शन पर, यहाँ पर प्लस का निशान दिख रहा होगा, इस पर आपको टैप कर देना है। टैप करने के बाद आपको धीरे धीरे इसको ऊपर उठा देना है, धीरे धीरे आपको इसे ऊपर उठाना है। अब यहाँ पर इसको हम फिर से सही कर देते हैं, सही कर दिया। अब यहाँ पर देख सकते हो कहानी हमारी बन चुकी है। लिखा हुआ है, एक किसान था जिसके दो बेटे थे, वह बहुत ही आलसी और निकम्मे थे। यहाँ पर हमारी कहानी तैयार हो चुकी है। ठीक है दोस्तों, अब आपको यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको और कहानी लेनी है, तो आपको क्या करना है, इसको टैप करना है, और यहाँ पर इस लेयर को डुप्लीकेट कर देनी है, टेक्स्ट को डुप्लीकेट कर देना है। अब यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर यह कहाँ ख़त्म हो रहा है, यहाँ पर यह ख़त्म हो रहा है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा दूसरा तैयार हो चुका है। अब आपको क्या करना है, टेक्स्ट में जाना है, एडिट में जाना है, और यहाँ से इसको हटाकर जो दूसरी कहानी थी, यानी जो कहानी का अगला पैराग्राफ था, उसको यहाँ पर पेस्ट कर देना है, एंड ओके कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरी कहानी यहाँ पर तैयार हो चुकी है। अभी मैं आपको इसमें वॉइस ओवर करके भी दिखाऊंगा। अब आपको यहाँ पर एक आपकी कहानी पूरी तैयार हो चुकी है। अब इसको 10 से 15 20 मिनट, जितनी बड़ी कहानी उतना लंबा आप इसको ले जा सकते। तो अब आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको एक टैक्स्ट लगाना है, यानी कि गरीब इंसान की कहानी लिखा है, तो हम यहाँ पर लेयर पर जाएंगे, टैक्स्ट पर जाएंगे, और लिख देंगे गरीब किसान, GARWB गरीब, KISHAN गरीब किसान, हमने यहाँ पर लिख दिया है, तो टैप कर देंगे, और यहाँ पर कलर में जाके इसको नीला कर देंगे। नीला करने के बाद यहाँ पर हमने इसको नीला कर दिया है, और फ़ॉन्ट में हम उसको फ़ॉन्ट वही रहने देते हैं, और उसको यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर आउटलाइन कर देते हैं, ताकि देखने में अच्छा लगे। ठीक है, यहाँ पर हमने कर दिया है। अब उसको यहाँ पर हम बराबर कर देंगे, यहाँ लिखा है गरीब इंसान। अब यहाँ से मेन काम यहाँ पर शुरू होता है। अब यहाँ से देखना दोस्तों, यहाँ पर इसको यहाँ पर टाइप कर देंगे, बराबर कर दिया हमने इसको। अब यहाँ पर क्या करना है, अब जैसे कहानी मान लीजिए यहाँ पर ऊपर जा रही है, तो कहानी जब ऊपर जा रही है तो हमें लगता है कि कहानी के साथ साथ ये जो हेडलाइन है ये भी ऊपर जानी चाहिए। तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर गरीब इंसान है यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको और बड़ा कर देते हैं, जैसे यहाँ पर गरीब इंसान लिखा हुआ है जैसे यहाँ पर, ठीक है, यहाँ फिर इस पर हम टैप कर देंगे, और यहाँ पर फिर से हमें की वाले ऑप्शन में सिलेक्ट कर लेना है, प्लस इंसान में क्लिक करना है, थोड़ा सा और आगे ऐसे जाना है, यहाँ से यहाँ पर करना है, और फिर से हमें यहाँ पर प्लस के निशान पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको ऐसे उठा देना है, और ऐसे इसको गायब कर देना है। अब हम फिर से यहाँ पर इसको देखते हैं, यहाँ पर कैसा दिख रहा है। देखिए यहाँ पर जैसे एक किसान के दो बेटे थे, यहाँ पर ही जा रहा है। अब इसके साथ साथ ये गरीब इंसान वाला जो हेडलाइन था ये भी ऊपर चला गया है, ये भी ऊपर चला गया है, और आपका ये टेक्स्ट पूरा तैयार हो चुका है। आपको पूरी कहानी ऐसे लिख देनी है, मैंने तो सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर बताया था। अब आपको इसमें वॉइस ओवर कैसे करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो वॉइस ओवर करने के लिए आपको एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर रिकॉर्डिंग का, तो रिकॉर्डिंग पर आप जैसे क्लिक करोगे, यहाँ पर टैप कर देना है, यहाँ पर आ सकते हो ओके कर देना है, माइक्रोफोन स्टॉप हमने यहाँ पर कर दिया है। अब थोड़ा इसको हम सुन लेते हैं कि ये कैसा यहाँ पर दिख रहा है, थोड़ा सा इसको हम प्ले करके दिखा देते हैं। देखिए, एक किसान था जिसके दो बेटे थे, वह बहुत ही आलसी और निकम्मे थे, वह अपने पिता के कामकाज में हाल बढ़ाने में आलस किया करते थे। अब आपको मान लीजिए यहाँ पर फिर से आपको करना है, तो यहाँ से फिर से आपको वॉइस ओवर करनी है, तो यहाँ पर फिर से वॉइस ओवर में इसको सही के निशान पे क्लिक कर दिया है, तो हमारी एक कहानी यहाँ पर तैयार हो चुकी है। अब आपको सीधा सा इसको क्या करना है, यहाँ पर कुछ एडिटिंग करनी है, एडिटिंग करने के बाद आपको टेक्स्ट लोगो जो भी लगाना है, लगाने के बाद इसको हाई क्वालिटी में अपलोड करना है।